हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन हम वहीं से आगे शुरू करेंगे। लास्ट हमने जो डिस्कशन किया था वो डेट वाले मॉडिफिकेशन मॉडिफाइड टाइम पे किया था। उसी फील्ड के ऊपर हम एक छोटी सी आज कंडीशन लगा के देखेंगे इफ एल्स में। आज हम बेसिकली इफ एल्स वाली कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं, वो भी हम मॉडिफाइड टाइम पे पढ़ेंगे। लास्ट हमने जो डिस्कशन किया था मॉडिफाइड टाइम और डेट और टाइम वाली फील्ड पे, हम उसी पे ही फर्दर डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं और वीडियोज़ आपके साथ शेयर करूँ। इसी के साथ हम शुरू करते हैं वीडियो में फंक्शन राइटिंग करना। लास्ट हमने जो टाइम निकाला था वो ये निकाला था, हमने इन्फो भी कराया था, ये हमारा फाइनल टाइम निकला था। अभी मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर, फाइव के अंदर स्टोर करा लेती हूँ। यहाँ मैंने लगाया है इफ कंडीशन। अब मैंने वेरिएबल फाइव को यहाँ पे मैं जो ऑपरेटर लूंगी, यानी कि ग्रेटर देन का साइन लिया है, करंट टाइम, ये हमारा प्री डिफाइंड फंक्शन है। एक बार हम चेक कर लेते हैं करंट टाइम हम कैसे स्टोर कराते हैं जोहो में। जोहो इसमें करंट डेट और टाइम का फील्ड है हमारे पास, हम चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, लेट मी सर्च करंट डेट टाइम। फील्ड फंक्शन इन डेल्यूज, हम डेल्यूज में काम करें इसलिए हम डेल्यूज सर्च करें। यहां से हम करंट डेट और टाइम हमें गेट करना है। यहाँ से हमको सारी फील्ड्स मिल जाएंगी, सारे डेटा टाइप मिल जाएंगे, जो भी हम यूज करते हैं वो हमें यहाँ से फेच करने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने ये सब लगा रखे हैं, ऐसे ही हमारे पास एक फंक्शन है जिसको हम यहाँ पे करंट टाइम के नाम से है, मतलब कि जिससे हम करंट टाइम को फेच कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक इन्फो करा के देख लेती हूँ, वेर फाइव को करा लेते हैं या हम इसको ट्रू करा लेते हैं। अभी हम यही करा लेते हैं, ट्रू करा लेते हैं प्रिंट। एक बार हम इसको चला के देखते हैं कि बिना ये यूज करे इसके अंदर क्या हम इसको करा सकते हैं या नहीं। तो अभी मैं इसको यूज कर लेती हूँ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे इसने ये एरर दे दिया है। अगर मैं अब इसको सीधे सीधे यहाँ पे बिना किसी वेरिएबल में यूज करे टू टाइम यहीं पे ही यूज कर लेती हूँ। कभी कभी हमारे पास ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो हम उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि मेरे को मतलब मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्ट उसको चेंज किया था, तो अभी मुझे यहाँ पे इसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे सीधे उसको यहीं पे चेंज करके और कंडीशन वेरीफाई करा रही हूँ। करंट टाइम इज नॉट डिफाइंड। ओके, टाइम आई थिंक टाइम इज, ओके, अभी यहाँ पे हम जोहो डॉट करंट टाइम
टाइम यूज करेंगे, इसलिए याद आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करने जा रही हूँ। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो वो ट्रू आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा। यानी कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, मेरी जो करंट टाइम है वो मेरा जो मॉडिफाइड टाइम है उससे बड़ा अगर होता है तो वो ये मैसेज देगा। एल्स में हम यहाँ पे डाल देते हैं कि अगर ऐसा नहीं है तो वो इन्फो एफ एफ करा देते हैं। चलो सॉरी सेमी कॉलन इसमें से, सो अब हम इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी मेरे पास एफ आ गया, यानी कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, यानी कि जो मेरा मॉडिफाइड टाइम है वो मेरा क्रिएट टाइम से स्मॉलर है, इसीलिए यहाँ पे मेरे को ये कंडीशन यानी कि जो होनी चाहिए थी वो ठीक है। ये मेरा एफ होना चाहिए, ये मेरा टी होना चाहिए, इस हिसाब से मेरी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो ये एक छोटी सी कंडीशन हम लोगों ने किस पे लगाई है, मॉडिफाइड टाइम को लेके, जो हमने डेट टाइम निकाला था उसको लेके। जोहो के अंदर जो ये जो जोहो डॉट करंट टाइम हमने यूज किया है, ये जोहो का बाय डिफॉल्ट फंक्शन है जो हम यूज करते हैं, जोहो डॉट करंट टाइम, यानी कि अभी के टाइम से करंट टाइम का कैप्चरेशन होता है इसके अंदर। तो वो करंट टाइम जो भी होता है उससे बड़ा मतलब होना नहीं चाहिए, ऐसी कंडीशन हमने लगाई है। अगर वो फुलफिल होती है तो हम इफ के अंदर आते, नहीं तो हम एल्स के अंदर आए हैं। तो इफ एल्स को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ कि हम किस तरीके से यूज करते हैं, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने इसमें भी कर लिया है।